दोस्तों अगर आप अपने वीडियो पे वायरल टाइटल को नहीं लगाते हो तो आपका वीडियो जो है वो वायरल नहीं होता है, आपके वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नहीं आता है, इसलिए आपके वीडियोस पे वायरल टाइटल लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको वायरल टाइटल कहाँ से पता चलेगा, आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो वायरल टाइटल? दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप वायरल टाइटल को कहाँ से उठा सकते हो और अपने वीडियो पे वायरल टाइटल को डाल सकते हो। अगर आप अपने वीडियोस पे वायरल टाइटल को डालते हो तो 100% आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वायरल टाइटल आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो, कहां से पता कर सकते हो, तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीटली आखिरी तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों पहले ही कर दो लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों अगर आप अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हो किसी भी कैटेगरी का, किसी भी टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वायरल टाइटल अपने वीडियो पे लगाना होगा। अगर आप वायरल टाइटल को अपने वीडियो पे नहीं लगाते हो तो आपके वीडियो 100% वायरल नहीं होगा, आपके वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यू नहीं आएगा। तो वायरल टाइटल पता करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आप जिस भी कैटेगरी का, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो, तो उस टॉपिक के आपको क्या करना होगा, एक टाइटल ढूंढ लेना है। सबसे पहला आपको ऐसा कोई भी टाइटल ढूंढ लेना है, जैसे कि हाउ टू केक मेक एक केक, अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको वायरल टाइटल जो है पता चल जाएगा। तो वायरल टाइटल आप कहां से पता कर सकते हो, तो सिंपल सा मैं अपना मोबाइल फोन ओपन कर लेकर आप लोगों को दिखा देता हूं, इधर आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, वायरल टाइटल आपको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे आपको चला जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना होगा दोस्तों, आपको इधर सर्च करना है रैपिड टेक्स्ट, जैसे कि रैपिड टेक्स्ट मैं सर्च कर लेता हूँ। रैपिड टेक्स्ट लिख कर जब आप सर्च करोगे तो आपके पास वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो आपके पास जब वेबसाइट खुल के आ जाएगा तो रैपिड टेक्स्ट डॉट आईओ करके अगर सर्च करोगे तो आपके पास डायरेक्टली वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद यूज टूल फॉर फ्री वे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी टाइटल को सोच के रखा है, जैसे कि हाउ टू मेक ए केक, मैं लिख देता हूँ मेक ए केक, केक मैंने लिख दिया, लिख के सर्च कर लेता हूँ। अगर मैं सर्च करता हूँ दोस्तों, देख सकते हो इधर सबसे पहला जो आ रहा है, देख सकते हो हाउ टू मेक ए चॉकलेट केक। सबसे पहला आपको क्या करना होगा, इस टाइटल को अपने वीडियोस पे लगा लेना है, मेन इंपॉर्टेंट टाइटल यही होगा। जैसे कि इसने लगा लिया, लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, और एक टाइटल ढूंढ लेना है। जैसे कि और एक टाइटल आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, तो मैं दिखा देता हूँ, सिंपल सा इधर आपको जाना है और इधर जाके आपको देखना है कि इधर इंग्लिश में सारे के सारे हैं। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको क्या कर लेना है, और एक सर्च कर लेना है, इधर सर्च कर लेना है कि केक कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ केक कैसे बनाए सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो सबसे पहला क्या है, केक कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इस टाइटल को आपको लिख लेना है टाइटल पे, इस टैग को उठाकर अपने वीडियोस का टाइटल पे लगा लेना है। तो 100% ये टाइटल दोनों को लगा लेते हो अपने वीडियोस पे, तो 100% अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करेंगे तो केक कैसे बनाते हैं तो आपके वीडियोस रिकमेंड करेगा। हाउ टू मेक ए केक जब लिखकर कोई सर्च करेगा तो आपका वीडियो जो है रिकमेंड करेगा। अगर आपका वीडियोस का थंबनेल सही होता है तो लोग क्लिक करके आपके वीडियोस को देख लेंगे और सर्च में भी आने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, इस जो टाइटल है इस टाइटल को अपने वीडियोस पे लगा लेना है। दोनों टाइटल के बारे में बताया है, तो उसके बाद आपको और एक चीज़ भी कर लेना है कि टाइटल जो है उसको सबसे पहला चेक कर लेना है। तो चेक कैसे कर सकते हो, तो सिंपल से आपको क्या करना है, इस टैग को कॉपी कर लेना है। तो मैं चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद इसको सिंपल से आपको क्या करना है, आपको सिंपल से आ जाना है ट्यूब बडी ऐप पे। तो ट्यूब बडी मैं लिख के सर्च कर लेता हूँ, ट्यूब बडी ऐप आपके मोबाइल पे जरूर से होगा, तो ट्यूब बडी ऐप को लिख लेना है। तो ट्यूब बडी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ट्यूब बडी ऐप पे जाना है, आपको क्या करना है, इधर आपको जाना है एक्सप्लोर पे। तो मैं दिखा देता हूँ, सिंपल सा इधर मेनू पे जाना है। मेनू पे जब जाओगे तो इधर टैग एक्सप्लोर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इधर टैग एक्सप्लोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इधर सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है, तो चलो मैं इस पर दिखा देता हूँ, सिंपल सा इस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इधर टैग वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये वाला। तो सिंपल सा आपको इधर ही क्या करना होगा, उस टैग को पेस्ट करना है। तो चलो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा टैग नहीं कॉपी हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ केक कैसे बनाते हैं, मैं लिख लेता हूँ केक कैसे बनाएं। तो मैं लिख के सर्च कर लेता हूँ, लिख के सर्च कर लेना है। तो दोस्तों आपको जब भी सर्च कर लोगे तो इसका सर्च वैल्यू देख सकते हो एवरेज है और वेरी हाई है, कंपटीशन वेरी हाई है। तो आपको क्या करना होगा, नीचे वाला जो देख लेना है इसको कॉपी करके आपको देख लेना है कि आपको इस वाले को कॉपी कर लेना है। इस टैग को मैंने कॉपी कर लिया,
कॉपी करने के बाद दोबारा से आपको वापस आना है और इधर आपको पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि इस पर देख सकते हो हाई है, उतना ज़्यादा हाई नहीं है, सर्च वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है, कंपटीशन उतना हाई नहीं है, फेयर है, ओवरऑल फेयर है। तो दोस्तों आपको यार ना इस टाइटल को लेके अपने वीडियोस पे लगा लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो आपके वीडियोस जो है वायरल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको वायरल टैग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इन तीन चीज़ को सही तरीके से तो लिखना आना होगा, और उसके साथ साथ आपको टैग टाइटल पर सही तरीके से वायरल टाइटल को लगाना होगा, तभी जाके आपके वीडियोज़ जो है वो वायरल होगा, वरना नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अगर नहीं लगाना आता है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली अगर आप देखे हो तो आसानी से आप समझ पाओगे, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आप वायरल को कैसे ढूंढ सकते हो, वायरल टैग को लगा के आप अपने वीडियोस को भी वायरल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पे जाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।